नमस्कार, कठपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट जिसका काफी समय से आप इंतजार कर रहे थे, राजस्थान यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज विद्यार्थियों की एग्जाम डेट, इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन चल रहा था। यूनिवर्सिटी ने पहले कहा था कि अप्रैल में होंगे एग्जाम, लेकिन इस नोटिस को यहां पर नकार दिया है, नया नोटिस देखने को मिल रहा है। ध्यान रखे, फर्स्ट ईयर के नॉन कॉलेज विद्यार्थियों की यहां पर बात हो रही है, बाकी विद्यार्थी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके अलावा एक नोटिफिकेशन यहां पर जारी हुआ है, उसमें बहुत सी बातें आपके लिए बताई गई हैं। काफी समय से विद्यार्थी ये कंफ्यूज हो रहे थे कि भैया हम नॉन कॉलेज हैं और वे सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट कर लिए जो नॉन कॉलेज को ऑफर नहीं किए गए थे। तो बिल्कुल, मैंने कहा था कि यूनिवर्सिटी आपकी बात पहुंचा दी गई है और बहुत जल्द इसके बारे में अपडेट आ जाएगी। एग्जाम से पहले जरूर यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ सोच देगी और फाइनली यहां पर उसका नोटिस आ चुका है कि अब बदल लीजिए वो सब्जेक्ट जो गलती आपने कर दी है। किस हिसाब से आपको बदलना, इसके बारे में आपको आज मैं बताने वाला हूं। राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए नोटिफिकेशन आया है, कंप्लीट डिटेल्स के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको बता देता हूं यहां पर बात कि फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज विद्यार्थी, वे विद्यार्थी जो नॉन कॉलेज फर्स्ट ईयर के, इसमें इस बार फर्स्ट ईयर में बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज के रूप में फॉर्म लगाए थे, ध्यान रखें फॉर्म को देख लेना, ऊपर लिखा होगा सेमेस्टर, और नॉन कॉलेज में भी सेमेस्टर है, ध्यान रखें फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम एक साथ होंगी। पहले यूनिवर्सिटी ने कहा कि अप्रैल मई में हम एग्जाम आयोजित करवाएंगे, अब अप्रैल हटा लीजिए यहां पर, क्योंकि अप्रैल में चुनाव आ चुका है। यहां पर यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि भाई मई में एग्जाम होंगी, यानी कि मई में कभी भी एग्जाम हो सकती है। मई यहां पर दिया है, ध्यान रखें स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आपको मैं समझाने वाला हूं। ध्यान रखें एक लाइन लिखी गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्वयं पाठी परीक्षार्थियों की प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं मई 2024 में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। बिल्कुल, यहां पर फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज के एग्जाम मई के महीने में होंगे, अप्रैल एंड तक आपको टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा। अब कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, अपनी तैयारी कर लीजिए। ये बातें हो गई, एग्जाम डेट को लेकर जो कंफ्यूजन चल रहा था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं यहां पर नोटिफिकेशन में कुछ चीजें बताई गई हैं, उसके बारे में बात कर लेता हूं। जिसके भी फोरम में दिक्कत है वो समझ लीजिए, इसके बारे में पूरा आपको डिटेल से समझा देता हूं। देखो भैया, यहां पे विद्यार्थियों द्वारा भरे गए परीक्षा आवेदन पत्र के संबंध में कुछ सूचना यहां पर जारी हुई है। इसमें कहा गया है कि भैया प्रथम सेमेस्टर के शैक्षणिक सत्र 2023-24 में आवेदन करते समय स्किल एनहेंसमेंट कोर्स आपसे सेलेक्ट करवाए गए थे, उसमें एसईसी 005 इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल और 006 लर्निंग लाइफ स्किल्स विषयों का चयन जिसने कर लिया है, नॉन कॉलेज विद्यार्थियों ने इन दो सब्जेक्टों का सिलेक्ट अगर कर लिया है, ये दोनों सब्जेक्ट नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए मान्य नहीं है। इसके अलावा जो भी आपने सेलेक्ट किए हैं वो ठीक है, लेकिन अगर आपने गलती से इनको सेलेक्ट कर रखा है तो आप इसको भैया चेंज करवाना आपको पड़ेगा, ध्यान रखें। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, देखो यूनिवर्सिटी ने कहा है कि उक्त प्रश्न पत्र स्वयं पाठी परीक्षार्थियों हेतु मान्य नहीं है, स्वयं पाठी का मतलब नॉन कॉलेज होता है, ठीक है। अतः निम्नलिखित प्रश्न पत्रों में से उपरोक्त विषयों को परिवर्तित किए जाने हेतु एक एप्लीकेशन आपको देना होगा 22/4/2024 तक, यानी 22 अप्रैल 2024 तक आप यूनिवर्सिटी जाकर एक एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन का पीडीएफ भी भैया दिया हुआ है, उसको मैं आपको समझाने वाला हूं किस तरीके से आपको भरना है, ठीक है। यहां पर दिया हुआ है, उसको फॉर्म भर के यूनिवर्सिटी आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो यूनिवर्सिटी खुद के हिसाब से कोई भी दो सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करके आपके एडमिट कार्ड में निकाल देगी। अगर हम मन से भरना चाहते हैं कि भाई अब हम जो दो सब्जेक्ट हमने गलती से भर दिए थे, नॉन कॉलेज को ऑफर नहीं है, अब जो दिए हुए लिस्ट यहां पर दी हुई है, यूनिवर्सिटी ने लिस्ट भी दिए कि भैया आप इनमें से दो सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, अलग से मत भरिए जो नॉन कॉलेज को ऑफर ही नहीं है। मैंने पहले भी बताया था यस और नो का ऑप्शन वहां पर आता है, नॉन कॉलेज कौन सा है और रेगुलर के लिए कौन सा था, आपने गलती से दो भरे हैं, अब उसको सही कर लीजिए। यहां पर एक लिस्ट आई है जो मान्य प्रश्न पत्र, इनमें से आपको भरने हैं, ध्यान रखें इनको भर लीजिए, ठीक है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। और एप्लीकेशन जो दिया हुआ है यहां पर देख लीजिए भैया, यहां पर दूसरा एप्लीकेशन दिया जिसमें स्किल एनहांसमेंट कोर्स में परिवर्तन किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र, इसमें क्या कहा गया, खुद का नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जन्मदिनांक और जेंडर, मोबाइल नंबर ये भरेंगे, और पहले जो अपने एग्जाम फॉर्म भरा है फर्स्ट ईयर का जो नॉन का एग्जाम फॉर्म भरा है उसकी डिटेल्स आपको भरनी है, फॉर्म नंबर वगैरह से रिलेटेड, और कौन से आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपको नाम लिखने हैं और साइन करके यूनिवर्सिटी आपको जमा करवाना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी जाएंगे, एकेडमिक ब्लॉक में आपका सही हो जाएगा, वहां पर जाएंगे तब, ठीक है। ये बात होगी इससे रिलेटेड। एक नोटिफिकेशन और दिया है इस नोटिस में, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि वे विद्यार्थी जो बहुत पहले से फर्स्ट ईयर में है, यानी कि कोरोना काल से फर्स्ट ईयर में चलते आ रहे हैं, उनको प्रमोट कर दिया गया था कोरोना काल में, फिर उसके बाद में कोई फॉर्म भरा, पास नहीं हुए, एग्जाम नहीं दिया है, जो भी था, अब सेकेंड ईयर का उन्होंने फॉर्म भर दिया, उस टाइम की बात हो रही है। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, जिन्होंने कोरोना में प्रमोट होने के पश्चात विश्वविद्यालय से कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया, यानी आपने उसके बाद में प्रमोट होने के बाद में अगर आपने परीक्षा पास
नहीं की गई है तो आपको फर्स्ट ईयर वापस करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी ने ऐसा कह दिया गया है, ध्यान रखें। और फर्स्ट ईयर के हिसाब से आपका एडमिट कार्ड निकल कर आएगा। ध्यान रखें आपको क्या करना है भैया, 22 अप्रैल तक यूनिवर्सिटी जाना है और यहाँ पे उसके लिए भी फोरम दिया है। ध्यान रखें यहाँ पे कहा गया है स्नातक प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा में फोरम स्थानांतरित किए जाने हो तो आपका फोरम स्थानांतरित होगा अगर प्रमोट होकर आप आए और उसके बाद में कोई परीक्षा पास नहीं की है। ध्यान रखें इसके बारे में बताया, तो सेकंड ईयर में नहीं बैठ पाएंगे आप, फर्स्ट ईयर में ही जाएंगे, इसके बारे में ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और सेमेस्टर आपको देना पड़ेगा, इसके तहत आपको 22 अप्रैल तक यूनिवर्सिटी जाकर फॉर्म भरकर आपको जमा करवाना पड़ेगा। तो ये अपडेट्स हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज विद्यार्थियों को लेकर। एग्जाम डेट्स आपकी मई होने वाली है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके पास पूरा अप्रैल बचा हुआ है, अभी अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। काफी वीडियो मैंने तैयारी से रिलेटेड डाले हुए, अब जो समस्या इस पे लिख दीजिए, उस पे आने वाले समय में काम करेंगे। क्योंकि अब यूजीसी में भी मैं बाकी क्लासेस से भी बहुत जल्द फ्री होने वाला हूं, क्योंकि उनके गैस पेपर डेली अपलोड होते हैं। बाकी कोई नोटिस आएगा नहीं, आचार संहिता है, तो अब नॉन कॉलेज पर मैं भी काम करना चाहता हूं। तो अपने सवाल लिखेंगे, जो भी कंफ्यूजन बने हुए बना दीजिए, यहां पर लिख दीजिए, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। आपके लिए सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट विद डिटेल्स आपके लिए यहां पर लेके आया हूं। सब्सक्रिप्शन आप कर लीजिए, ध्यान रखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने साथी मित्र हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन तक चैनल को शेयर करेंगे। एक सवाल आपके लिए यह भी है कि भैया 24 घंटे के अंदर आपका यहां पर दूर होता है कंफ्यूजन इंस्टाग्राम के माध्यम से। अपना सवाल लिखा करें, जब भी कोई कंफ्यूजन हो तो 24 घंटे के अंदर आपको जवाब भी देखने को मिलता है अपने इंस्टाग्राम चैनल पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जुड़ जाएंगे वहां से भी। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है और हमारे टेलीग्राम चैनल कठपुतली एजुकेशन पर पीडीएफ अपलोड हो चुका है, वहां से देख सकते हैं। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।